अमृत यार, इतने उदास लग रहे हो। तुम्हें सेबी ने ये फाइन वाइन लगा दिया, तुम्हें ज्यादा ही फर्क पड़ गया लगता है। नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फाइन लगाया है इन्होंने, 50 लाख का डिवाइड हो जाना है 5 बंदों में, ठीक है। और फिर भी उसके बाद भी अगर इनका मैं 1 साल का रेवेन्यू देखूंगा, उसका तो ये 0.1% भी नहीं होगा, तो इनको फर्क ही क्यों पड़ेगा इस बैंक इस फाइन फाइन से। से ये भी सही है, पर रुको जरा मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। हाय गाइस, वेलकम टू एडीबी न्यूज़ रिएक्शन। ये हमारा नया सेगमेंट है, इसमें हम हर हफ्ते कुछ हॉट न्यूज़ को पिक करेंगे और उस पर देखेंगे हमारा रिएक्शन, ताकि ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए। ये नया सेगमेंट है, नई कोशिश है, तो पसंद आए तो ज़रूर बताना। नहीं आए तो भी यार, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे सेबी ने 50 लाख का फाइन लगाया है 5 एंटिटीज़ पे। वो एंटिटीज़ हैं पाशा फाइनेंस लिमिटेड, पैट फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या नाम है, हृदयनाथ कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मीनल भारत पटेल एंड रुचित भारत पटेल, दो इंडिविजुअल। तुम गुजराती में क्यों बोल रहे हो? ओके, सो हाँ, पांच नाम और स्क्रिप्ट का नाम है एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड। अरे लेकिन इसमें मार्केट वॉल्यूम पे कितना इम्पैक्ट था? 19% बीएससी पे और 8% एनएससी पे। इतना बड़ा अगर इम्पैक्ट था तो 50 लाख तो बहुत कम है। एग्जैक्टली, इनका अपना पॉकेट में कितना पैसा गया होगा उसका तो कहीं पर भी कहीं जिक्र भी नहीं किया हुआ है पूरी न्यूज में, कि इन्होंने ट्रेडर से कितना कमा लिया और उसका कितना परसेंट इनके ऊपर फाइन लगाया हुआ है, और जो ट्रेडर्स को नुकसान हुआ उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसका कोई एस्टिमेशन हो सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा? कितना नुकसान हुआ होगा तो पता नहीं, बट जिस हिसाब से देखा जाए काफी कम फाइन है, मतलब जो आप तुम पहले भी कह रहे थे। हाँ, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से तो कुछ भी फाइन नहीं है। अगर इनको ये पता है ना कि एनएससी का 8% का मार्केट वॉल्यूम का शेयर है, तो डेफिनेटली पता लग सकता है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना कमाया होगा। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये मतलब आर दे विलिंग कि ये सब भी रिवील करें, या फिर जो अब 50 लाख फाइन का अगर रिवील कर दिया है तो दे नीड टू टेल अस द मैथ एज वेल, कि किस बेस पे। अभी सी, अभी कोई कंपनी, नई कंपनी आती है मार्केट में, वो ये सब देखेगी तो उसके लिए क्या, देयर इज नो बैकग्राउंड कैलकुलेशन ना, वो भी कर लेगी ये प्रॉब्लम, उसको पता है कि 30-40-50 लाख रुपए के मामला हो जाए। अब रिटेल ट्रेडर का भी तो नुकसान हुआ होगा ना, इन्होंने क्या किया है ना, सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग किया है। अब धीरे धीरे मार्केट को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को, स्क्रिप्ट को इन्होंने इन्फ्लेट किया, और इन्फ्लेशन करके जब एक पॉइंट पे जाके निकल गए होंगे अपना प्रॉफिट कमा के। अब इस ये लोग ब्रांड मैनेजमेंट करेंगे, ये लोग न्यू पीआर का इस्तेमाल करेंगे, आप खुद अच्छी न्यूज भी ले आएंगे अखबार में, लेकिन एक ट्रेडर क्या समझे इसमें से? ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है, मरता तो रिटेल ट्रेडर हमेशा ही है। वही बात हो गई ना, वो क्या बोलते हैं, छोटा सा मटर हो गया। नहीं, बट देखो, रिटेल ट्रेडर कोई गलती करता है ना तो उस पर केस लग जाता है, जेल हो जाती है। इनको जेल डालो ना, ये 5 लोगों को जेल डालो और बाकी लोगों के लिए एग्जांपल सेट करो, कंपनियां बंद करो, ये इनको इनको मार्केट से बैन कर दिया है। अरे ये नई कंपनी खोल लेंगे क्या, 2 दिन में नई कंपनी खुल जाती है, नया जीएसटी नंबर, यही लोग जीएसटी नंबर नया देंगे फिर। और ये 10 लाख का फाइन तो इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक इट्स वी डोंट नो कि वो कुछ भी है या कुछ भी नहीं है, किसको पता है ये चीज। लाइक योर पॉइंट ऑफ इट्स लाइक ए बर्म्यूडा ट्रायंगल और समथिंग, डकवर्थ लुईस, whatever you call it. तो या दिस क्या सेबी के ऊपर भी कोई स्क्रूटनी चाहिए हमें, सेबी कैसे इस पे आ रहा है? गुड पॉइंट। सो आज सेबी अपने आप सेल्फ डिसीजंस लेने लगा है ना, ये मार्जिन रूल का लिया, अभी बीच में एफआईआई के इन्वेस्टर्स का कुछ डिसीजन, तो मुझे लगता है कि जरूरत है कि सेबी को, मतलब जो सबको देख रहा है उस पे भी नजर रखने की जरूरत है। वॉचडॉग ओवर सेबी, देयर इज नोबडी। आई मीन, कहने को सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बट हु एक्चुअली डज दैट? हां, 50 लाख के लिए क्यों जाएंगे वैसे? नहीं, मतलब रिटेल का बंदा क्यों जाए? और सुप्रीम कोर्ट ने करना क्या है, तारीख पे तारीख। एंड जब बात आती है रेगुलेट करने की मार्केट को, तो आज एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी डिलीवरी ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, और वो ग्लिच एक्चुअली था CDSL की तरफ से, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ ट्वीट भी हुए, स्टॉक ब्रोकर्स भी आगे आए, तो यहाँ पर इवेंचुअली नुकसान रिटेल ट्रेडर्स का ही हुआ। ऑल दो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेज, फ्लॉज जो थे वो स्टॉक ब्रोकर्स और CDSL की साइड से थे, बट आई थिंक स्टॉक ब्रोकर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, बिकॉज इसीलिए उन्होंने वो सेकेंड सोल्यूशन दिया था, जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन था कि शाम को 5 बजे से पहले उनको
वो मतलब दे कैन स्किप दैट स्टेप जो लास्ट डी पेन वाला होता है. सीडीएसएल आंसरेबल नहीं है क्या रेगुलर ट्रेडर्स एवरी जो भी ट्रेडर इट इज आंसरेबल टू सेबी. हां इट इज आंसरेबल ट्वीटेड ना मतलब उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है. एग्जैक्टली अभी तक नहीं है उनकी सीडीएसएल क्योंकि जैसे ज़ेरोधा की तरफ से ट्वीट आया वैसे सीडीएसएल की तरफ से उससे पहले ट्वीट आ जाना चाहिए था ताकि जो एक कन्फ्यूजन हुआ था मार्केट में कि ये ब्रोकर लेवल का फॉल्ट है या किस तरह का टेक्निकल ग्लिच है उससे पहले डिपॉजिटरी को एक्टिव हो जाना चाहिए था मार्केट में. सो फार अभी तक कोई भी ट्वीट या कोई भी आंसर नहीं दिया गया. बस इतना पता चला है कि हाँ सेबी ने क्या बोला है कि उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि ये क्यों हुआ एंड कितना लॉस हुआ इस वजह से. लेकिन सीडीएसएल ने अभी तक फिर भी इस पर कोई आंसर नहीं दिया है. मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीडीएसएल का ट्विटर एक्टिव हैंडल है भी या सेबी का नहीं है. सेबी का है ही नहीं हैंडल वर्क ही नहीं करता है. पता नहीं दो साल पहले इन्होंने कभी ट्वीट किया था. मोर और लेस इनका भी वही होगा. अरे सीडीएसएल इंडिया का ट्विटर प्रोफाइल वेरीफाइड भी नहीं है. छी अरे तमता बड़े है ड्राइवर भाई. पिछला ट्वीट जो था इनका तो अभी फिर सीडीएसएल की गलती नहीं है माफ कर दो. नहीं नहीं लेकिन क्यों गलती नहीं है ट्वीट तो कर रहे हैं. 7 घंटे पहले ट्वीट किया है इन्होंने कुछ कोई कोलैबोरेशन एंड ऑल दैट थिंग्स. काम की बात भी करो ना यार. अगर इशू हो भी जाकर अपनी साइड से वो एड्रेस कर देते ना तो शायद इतना. उस दिन पूरे दिन ट्वीट नहीं आया इस बारे में. और ये ज़ेरोधा एंजल ब्रोकिंग एंजल वन रादर आईसीसी डायरेक्ट ये सब लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है ये सीडीएसएल का होता है ना. सर अभी जैसे बीच में व्हाट्सएप बंद हुआ था तो लोग अपने इंटरनेट पर शक करने लग गए थे. सीडीएसएल की फुल फॉर्म कंप्लीटली डिसइल्यूजन्ड सिस्टम्स लिमिटेड है क्या. कंप्लीटली डिसइल्यूजन अप्रोच तो इनका वैसे ही है. राइट तो बस वही है. इसमें भी रिटेल ट्रेडर्स बेचारे फिर से अब नुकसान की रिपोर्ट तो दे देंगे पर उसका करेंगे क्या फिर उसके बाद. 1 लाख का फाइन है पर डे. पर 1 लाख बस 1 लाख. और कितने सारे पोजीशंस को लाइक वो जो इन्होंने रेजोल्यूशन किया ऑथराइजेशन वाला वो एग्जैक्टली क्या था कि वो ऑथराइजेशन वो लास्ट में जो स्टेप होता है सीडीएसएल का उसमें टीपिन डालना होता है ताकि जो ये पीओए की वजह से हाँ वो कोई ब्रोकर ऐसे रैंडम फायदा ना उठाए तो वो स्किप करने के बाद आपको फिर 5 बजे तक की लाइबिलिटी मिली हुई थी कि आप अपना ये जो है ये ऑथराइज करवा लो ऑथेंटिकेट करवा लो जो भी है शेयर्स की आप सेल कर पाओगे बिना टीपिन बिना ऑथराइजेशन की आप सेल कर पाओगे. आप सेल कर पाओगे अप टू 5 ऐसा ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. नहीं अच्छा कुछ कुछ ब्रोकर्स ने अलाउ अच्छा कुछ ब्रोकर्स ने अलाउ किया. अच्छा मुझे लगा कि रूल बना दिया. 5 बजे तक उनको ऑथराइज कराना था कि हाँ ये हमने किया है. इस चीज का गलत फायदा तो नहीं उठाया होगा किसी ने कि ऑथराइजेशन अब तभी नहीं बट किसी को पता ही नहीं है. अगर तो हाउ वुड समबडी नो के दे कैन डू दिस. किसी ने न्यूज़ ये ट्वीट सुना और उसके बाद उनको लगा कि मेरे को तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ हैव टू वेट. तो उस उतने में ही उनका प्रॉब्लम कितने घंटे 3 घंटे 10:15 बंद हुआ है ये और इट टुक सेवरल आवर्स टू रिजॉल्व 3-4 आवर्स ना. और एक एक मिनट में वो हो जाता है प्रॉफिट चेंज जाता है तो मतलब ये एक वर्कर हम था सिर्फ लाइक ये कोई तो ना तो सेबी ने ना सीडीएसएल ने किसी ने ना अभी ना बाद में कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली. बस ब्रोकर्स ने ट्वीट किया कि ब्रोकर्स ने फिर भी सो कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ स्टॉक मार्केट. तो इनको सेबी नहीं ढंग से देख रहा तो बच्चे रेगुलेटरी में LATE रेगुलेटरी है. हाँ. काफी लेट है. मैं वर्ड प्ले के लिए बैठा हूँ बस. और सेबी नहीं अपना काम कर पाया फिर उसके बच्चे सब ऐसे ही निकले. सो द आइडिया इज कि थोड़ा इंडस्ट्री जैसे टेक्निकली एडवांस हो रहा है सीडीएसएल एनएसडीएल एनएससी बीएससी इन सबको थोड़ा और एक छोटी सी सोशल पिकअप करना पड़ेगा. अरे सोशल मीडिया नहीं टेक्नोलॉजी टीम स्ट्रॉन्ग करो. ट्वीट जरूरी नहीं है सिस्टम जरूरी है. ट्वीट जरूरी है नहीं मतलब वल्नरेबल तो होते ही है टेक्निकल ग्लिचेस को लेकर लेकिन कम से कम बता तो दो. अब एक एक मॉनिटरी बॉडी है और दूसरी अपनी आरबीआई भाई उसने क्या कर दिया वो किसी और दिन कवर करेंगे. आगे बोलते हैं न्यूज है मेरे पास क्या किया आरबीआई ने. जरूर क्रिप्टो करेंसी के अराउंड ही कुछ किया होगा वही जो इतने टाइम से चल रही है बातें. हाँ,
अब वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपना भेड़ चाल में चल रहे हैं, हमें भी चाहिए डिजिटल करेंसी, तो आरबीआई अपनी ले आया है। अरे तीन वीडियो तो मैं कर चुका हूँ, ला तो रानी बातें कर रहे हैं बस बस क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, पिछले 6 महीने में 2 लाख क्रिप्टो अकाउंट्स ब्लॉक कर चुके हैं आरबीआई। वही है कि अपना अपना अपने घर में रखेंगे। जो लोग ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके कर रहे हैं सेबी एंड सीडीएसएल, वही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं आरबीआई। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्रिप्टो अकाउंट्स क्रिप्टो अकाउंट्स मतलब ब्लॉक किए हैं। किस बिना पर? बस ऐसे सब वही सब मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मार्केटिंग। अभी क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली हमारे कंट्री में इलीगल नहीं है बट रेगुलेटेड भी नहीं है। आरबीआई ने उसके लिए हाँ अप्रूवल डाल दिया वैसे तो गवर्नमेंट को, लेकिन आई थिंक ये तो बड़ी चीज है ना, लाइक ये पार्लियामेंट में बिल पास होगा, ये उस तरीके की चीज। एग्जैक्टली आरबीआई के अंडर है। एग्जैक्टली, लेकिन वो जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं ना, तो इट्स लुकिंग लाइक कि हाँ बिल्कुल आज ही आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ वो अपना टाइम लेंगे। वो डीमोनेटाइजेशन की तरह काम नहीं करेगा कि रात ही रात न्यूज आए और अगले दिन से नोट बंद। मित्रों, डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। क्रिप्टो करेंसी का एक फायदा है कि इसमें डीमोनेटाइजेशन हो नहीं सकती। थैंक गॉड ये करेंसी गवर्नमेंट में के हाथ में नहीं है, इस पे उनका कंट्रोल नहीं है ना, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए जिसको वो कंट्रोल कर सके, तो वो अपना ले आ रहे हैं सामान बस बस। लेकिन इसी पॉइंट पे ना उनके खुद के जो गवर्नर्स है, डिप्यूटी गवर्नर्स है, वो ये भी बोल रहे हैं कि इसको लाने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्पेशली जब पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम पे। तो मतलब फॉर लास्ट वन ईयर इंडियन करेंसी भी तो इम्पैक्ट होगी उससे। सिचुएशन चल रहा है ना पेंडेमिक के बाद, अभी बहुत से बिजनेसेस और अफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं से, तो अगर इस बीच में हम क्रिप्टो को या कोई डिजिटल करेंसी लेकर आते हैं इंडिया में, तो अफेक्ट करेगा जो नॉर्मल मार्केट। लेकिन ये डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी है, दैट गेट्स इंपैक्टेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई और द ग्लोबल थिंग्स एंड व्हाटएवर शिट। डोमेस्टिक करेंसी भी इंपैक्ट ऐसे होती है, ये तो लोकल डोमेस्टिक वर्चुअल करेंसी है ना, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका? इसको कोई बाहर के लोग तो खरीदने वाले हैं नहीं, पेट्रोल नहीं मिलेगा इससे यू कांट बाय गोल्ड, सो ग्लोबली इंपैक्ट देयर इज नथिंग। नेशनल लेवल पे मे बी, डोमेस्टिक लेवल पे होती है जो ऑलरेडी स्क्रूटिनाइज नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई, ऐसा उनका कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है। बस ये नोट प्रिंट नहीं करेंगे बस, मेरे को लगता है इसको वर्चुअल करेंसी नाम बोल दिया, मतलब इसका इंपैक्ट, इसका वैल्यू वोलेटिलिटी कहां से आएगी इसमें? प्लस इंडियंस इस पे तो होने पे पता चलेगा, प्लस इंडियंस इसके आने से रिएक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हर नई चीज आने पे तो नहीं। इंडियंस की बात किए जाए तो मिलेनियल्स को अगर देखें ना, तो वो क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते रेदर देन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। तो अभी अगर इंडिया में कोई डिजिटल करेंसी आती है और अच्छे लेवल पे बिगिन कर करती है, तो वो आगे अच्छी जाएगी। स्टार्टअप इंडिया और ये सब इंडिया आए थे वैसे ही कुछ, मेक इन इंडिया और व्हाटएवर शिट। सर वैसे इंडिया को ना, इंडियंस को इंडिया में बनी हुई चीजें पसंद आती नहीं है, तो इज द रीजन एलन सोली का नाम एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड का नाम पीटर इंग्लैंड है, जबकि वो इंडियन ब्रांड है। जम्मू में एक दुकान है उसका नाम ली सोली है। नहीं नहीं, एलन सोली ली कूपर को मिला के ली सोली। ले सोली बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ली सोली नहीं है, ले सोली। अब डिजिटल करेंसी से धन कमाने की बात हो रही है, तो ये धनी धनी हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, धनी धनी। क्या इन्होंने धनी सर्विसेज टू रेज 1200 crores फ्रॉम जनरल कैटलिस्ट एंड अदर। ये अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म है और 2000 में एस्टैब्लिश्ड है, तो समहाउ इनको लग रहा है कि, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनके दिमाग में ऐसा क्या है कि धनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर वो मुझे कोई समझाए। सी धनी इंश्योरेंस में भी है, लोन्स में भी है, तो आई गेस फिनटेक कंपनी है, तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि बाहर की कंपनी, तो बाहर की कंपनीज करती तो है इन्वेस्ट। अभी FPIs क्या है, वो बाहर की तो है, कस्टमर बेस ऑफ 3 crore अक्रॉस 500 cities,
और इंडियाबुल्स वेंचर्स था जो कंपनी का नाम अभी धनी बन गया है. That's what we need to know. So they are giving 9% stake of the company. अच्छा धनी ये सर्विसेज हाँ ये दिस इज लिस्टेड कंपनी बाय द वे. तो दे कुड हैव टेकन द मनी फ्रॉम थ्रू एन एफपीओ और समथिंग. वो उन्होंने चूज नहीं किया. उन्होंने एफपीओ नहीं निकाला. उन्होंने वेंट अहेड विद द विदेश का पैसा. आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा. हमने बहुत कैजुअली न्यूज पे रिएक्ट किया है. अपने ओपिनियंस रखे हैं. आगे क्या बोलूं. बस 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 आज के लिए काफी है. बाय बाय गाइज.